आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समोसा रोल की रेसिपी। एकदम यम्मी टेस्टी ये समोसा रोल एकदम अलग ही अंदाज में हम बनाएंगे। और एक खास बात ये है कि एक ही रोटी को बेल के आप एक साथ 16 समोसा रोल इजीली बना सकते हो। तो वो कैसे, उसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। समोसा रोल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदे का आटा ले लिया है। उसके अंदर मैं 3 चम्मच तेल डाल दूंगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी। और आधी चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है जिसको मैंने ऐसे क्रश करके डाल दिया है। और अभी हम मौन के साथ में आटे को मिक्स कर लेंगे और पानी से सेमी सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं, ऐसा मैंने आटा गूंद लिया है आप देख सकते हो। तो अभी मैं जरा सा तेल लेके इसको थोड़ा चिकना कर लूंगी और एक ढक्कन ढक के 15 से 20 मिनट तक साइड में रख दूंगी। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू लिए थे जिसको मैंने बॉईल करके इसका छील के निकाल दिए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पाव भाजी मेशर से ये सारे आलू को मैश कर लूंगी। आप चाहो तो ग्रेट भी कर सकते हो। तो मैंने सारे आलू को ग्रेट कर दिया है आप देख सकते हो। अभी मैं इसके अंदर पूरे मसाले कर दूंगी। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हो। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच चाट मसाला डाला है। और 4 मैंने हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने ऐसे छोटी छोटी चॉप कर ली थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। आधी चम्मच यहाँ पे मैं गरम मसाला डालूंगी, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आपको जितना तीखापन पसंद हो उस हिसाब से। और मैंने 1 नींबू का रस लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी इसमें से हम छोटे छोटे लुए बनाएंगे। क्योंकि हम समोसा रोल एकदम पतले पतले बनाने वाले हैं, इसलिए हम ये लुइया भी एकदम छोटी छोटी बनाएंगे और उसको बाद में ओवल शेप दे देंगे। तो मैं सारे आलू के मिश्रण से ऐसी छोटी छोटी लुइया बना लेती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच मैदा डाल के उसकी पतली सी स्लरी बना लूंगी। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो। और अभी हमारा ये आटा भी एकदम रेडी है। तो उसके अंदर मैं 1/4 स्पून जितना तेल डाल लूंगी और इस आटे को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, थोड़ा सा मसल लेंगे। तो मैंने अच्छे से मसल लिया है और उसके मैं बड़े बड़े लुए बना लूंगी। तो अभी हम इसमें से एक लुआ लेंगे और सरफेस पे ही इसको बड़ी सी रोटी बेल लेंगे इससे। क्योंकि मैं आज आपको 2 तरीके से समोसा रोल बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ओवल शेप में रोटी बेल लेती हूँ और बाद में उसके पिज्जा कटर की हेल्प से साइड में से कट करके रेक्टेंगल शेप बना लेंगे। और साइड में से जो ये आटा निकल रहा है उसको हम फिर से लुइए के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने चारों ओर से इसको कट कर लिया है और रेक्टेंगल शेप में काट लिया है। और अभी आपको अगर सेम ऐसे ही समोसा रोल बनाने हैं तो मैं जैसे कट कर रही हूँ वैसे ही आपको कट लगाने हैं। तो मैं ऐसे ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ, लंबे लंबे ट्रायंगल बना रही हूँ। तो आप भी सेम वैसे ही कीजिए अगर आपको सेम ऐसे समोसे बनाने हैं तो। और उसके कोने बिल्कुल मैच होने चाहिए। तो अभी हमने जो आलू की लुइया बनाई है आलू के मसाले की, तो वो भी एकदम रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं इसको एक एक लुइया लेती जाऊंगी और इसके ऊपर रख के ऐसे रोल करती जाऊंगी। ये रोल हमें टाइट ही रखना है, बहुत ढीला नहीं रखना है, वरना हम समोसा जब तलेंगे तो वो छूट जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं ऐसे ही आपको दूसरा भी एक समोसा रोल बना के दिखाऊंगी। और अभी हमने जो स्लरी बनाई है उसमें से हम उंगली से थोड़ी थोड़ी स्लरी लेके इसके ऊपर कोने के ऊपर लगा देंगे, जिससे कि जब हम ये समोसा रोल को तलेंगे तो वो फ्राई करेंगे तो वो खुलेगी नहीं। तो वैसे ही मैं दूसरे समोसा रोल के ऊपर भी स्लरी लगा दूंगी और चिपका दूंगी और अब ये रोल भी बना लूंगी। तो अभी ऐसे ही मैं आपको दूसरी रीत भी दिखा दूंगी
दूसरा तरीका भी दिखा दूंगी समोसा रोल बनाने के लिए। तो मैंने एक दूसरा लोहा ले लिया है, उससे मैं एकदम बड़ी सी रोटी बेल लूंगी। जितनी हो सके उतनी बड़ी रोटी हमें बेलनी है, जिससे हमारे जो समोसा रोल है वो बहुत ही मस्त बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है, तो अभी यहाँ पे पिज्जा कटर की मदद से मैं कट लगा दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बीच में एक कट लगाया है, फिर घुमाते हुए हम ऐसे ही बारी बारी कट लगाते जाएंगे। और सेंटर का जो कट है, मतलब बीच में जो पॉइंट है, वहाँ पे हमें सारे कट्स को मैच करने हैं। आप देख सकते हो सेम ऐसे ही घुमाते जाना है और जितने हो सके हमें उतने कट लगा देने हैं। तो मैं ऐसे ही सब तरफ से अच्छे से कट लगा दूंगी। तो आप देख रहे हो मैं सब तरफ से कट लगा रही हूँ और बीच में सेंटर को भी मैच कर रही हूँ, जिससे कि हमारे ये समोसा रोल है मस्त बनेंगे। तो मैंने सारे कट्स लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पे जो लुइया बनाई है आलू के मसाले की, उसमें से एक एक लुइया लेते जाएंगे और इसके ऊपर रख के पहले जैसे रोल बनाए थे सेम वैसे ही रोल बनाते जाएंगे। और जैसे ही रोल बन जाएगा हम फिर से स्लरी लेके इसके ऊपर लगा देंगे। स्लरी लगाना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अभी मैं आपको एक और समोसा भी सेम वैसे ही बना के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे जरूर से ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। वाकई में ये समोसे बहुत ही मस्त लगते हैं और एकदम यूनिक लगते हैं, नए लगते हैं। तो घर के भी सब और गेस्ट आए होंगे तो वो भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इसे जरूर से ट्राई कीजिए। तो मैं सेम ऐसे ही सारे समोसा रोल को बना लूंगी। तो आप देख सकते हो मैंने सारे समोसा रोल अच्छे से बना लिए हैं और अब हमारी ये स्लरी भी रेडी है और तेल भी गर्म हो चुका है, जो मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अभी हमारा ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम एक एक समोसा रोल को लेते जाएंगे और दोनों साइड से जो ओपन साइड है उसको स्लरी में डिप करते जाएंगे और तेल के अंदर डालते जाएंगे। तेल के अंदर डालते समय हमें ये खास ध्यान रखना है कि हमारे ऊपर तेल का छींटा ना उड़े। तो आप देख सकते हो मैं वैसे ही दूसरा समोसा रोल ले रही हूँ और उसको भी स्लरी के अंदर डिप करती जाऊंगी और इसके अंदर डालती जाऊंगी। तो सेम वैसे ही मैं सारे समोसा रोल इसके अंदर डालूंगी एक साथ। जितने समोसा रोल हमारी कढ़ाई में आते हैं उतने ही समोसा रोल हमें इसके अंदर डालने हैं। तो और डालने के बाद हमें तुरंत ही इसको नहीं हिलाना है, एक मिनट जितना ये सीख जाए उसके बाद हम इसको पलटाएंगे। तो आप देख रहे हो मैं धीरे धीरे समोसा रोल को स्लरी के अंदर डीप करती जाती हूँ और तेल के अंदर डालती जाती हूँ। और डालने के बाद हमें तुरंत ही इसको नहीं हिलाना है, तुरंत नहीं पलटाएंगे। एक मिनट तक वो पक जाए, बाद में हम उसको धीरे से ऐसे पलटाएंगे। और पलटाने के बाद जो समोसा रोल चिपक गए हैं उसको ऐसे धीरे धीरे करके अलग कर लेंगे। और जब तक हमारे ये समोसा रोल गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए तब तक इसको फ्राई कर लेंगे। और अभी मैंने गैस की फ्लेम को हाई पे ले लिया है थोड़ी देर के लिए। वैसे तो हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, जिससे हमारे ये समोसा रोल है वो क्रिस्पी बने। तो आप देख सकते हो ये हमारे समोसा रोल है एकदम ब्राउन हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने ऐसे ही सारे समोसा रोल को भी तल लिया था। और अभी मैंने उसको ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। और एक समोसा रोल मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे जरूर से लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर से बताइए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में रहे बेल आइकन को भी जरूर से दबाइए, जिससे मेरी आने वाली हर रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स, ऐसे ही दोबारा मिलेंगे हमारी नई रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।